पूर्णिया में एक युवक का शव संदेहास्पद स्थिति में रेलवे के ट्रैक से बरामद हुआ है। वहीं परिजन पत्नी और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। घटनास्थल मुफस्सिल थाना के पास रेलवे गुमटी की है। घटना के बाबत मृतक युवक सोएब की बहन सबाना ने बताया कि उसका भाई का फोन आया था, उसके साथ पत्नी साला ससुर द्वारा मारपीट की बात बताई और जल्द पैसा भेजने को कहा। वहीं आज सुबह में रेलवे गुमटी के पास पूर्णिया कटिहार रेलखंड पर शव बरामद हुआ है। वहीं मृतक की बहन ने सोएब की पत्नी पर दूसरे मर्द के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाया है। घटना की सूचना पर पूर्णिया जंक्शन से जीआरपी की टीम मौके पर सबको पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया है और जांच में जुट गई है। हमारा जो है ना मामा हुआ सेब आलम, ठीक है सर, वो हमको कल दिन में करीब करीब 2-2.5 बजे के बीच में, हम लोग कबाड़ी का काम करते हैं सर, और वो जो है ना वो मैक में मतलब कि ब्लूटूथ कॉन्टेक्ट नहीं हट रहा था, उससे हमको बात नहीं हो पाया। और हम फिर जब 7 बजे शाम में करीब करीब कॉल किया तो उस घड़ी हमको उससे बात नहीं हो पाया। दूसरे बच्चे के हाथ में मोबाइल देकर हम दूसरे जगह चल गए थे, तो उससे हमको बात नहीं हो पाया। तो हम बोले ओ ये सबका हर बेर लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या हम सुना दिमाग लगाएंगे, तो हम लोग नहीं उतना दिमाग लगाए सर। हम लोग सोचे अपने सोसाइटी में सब दिन से है और रहता है, लड़ाई झगड़ा होता है तो इधर उधर जाता है, फिर अपने सोसाइटी चला जाता है। इससे करीब करीब 15 या 20 दिन पहले उसको हम पैसा भेजे थे कि अपने घर चले आओ, तो बोलता है मामी नहीं जाता है, हम जो है आवेंगे। तो हमने पैसा मंगा के फिर भी नहीं आया। तो उसके दौरान जो कल का बात है, कल जो हमको कॉल किया, कल उससे हमको एक भी बार बात नहीं हो पाया। उसके दौरान जो है जो मन के चलिए सेब, उसके दौरान जब उसका मृत्यु हो गया तो रात में करीब करीब 1 बजे के लमसम हमको कोई आदमी वहीं से कॉल किया कि आपका मामा जो है ट्रेन में कट गया। तो भाई ट्रेन में कट गया और बस्ती का जो आदमी है उसका, वो बोलता है कि 4 दिन से उसको टॉर्चर किया जा रहा था, यानी कि मारा जा रहा था, भागा जा रहा था, वो भाग नहीं रहा था, तो इसके दौरान उसका मृत्यु कर दिया गया और करके उसको जो है रेलवे ट्रैक के बगल में लेटा दिया गया। और दूसरा रूप मतलब रेलवे का रूप दे दिया, दूसरे रूप दे दिया कि रेलवे का नाम लग जाएगा। और वो कभी 2 गो पजमा किया, 1 गो शर्ट, 1 पैंट, और पढ़ा लिखा है सर, और जो कहिएगा वो महिला कुचला में नहीं रहता था, पूरा फ्रेश रहता था। अभी के डेट में उसका अगर ट्रेन में कटने के बाद दौरान जो आदमी का पूरा शरीर तितिर बितिर हो जाता है, और उसका ट्रैक के बीचों बीच रखा गया था सर, इसमें चोट है और 2 गो पैर कटा हुआ है। और सोचा जाए सर, अगर कोई आदमी ट्रेन के बीच दौरान जब कट जाता है तो उसका तो चित्र बित्र हो जाता है, और उसका मोबाइल जो है अमानत रह गया। मोबाइल का अमानत रहने का मतलब क्या है कि मोबाइल उसके पास ही में था, बोला मोबाइल अगर घर में रखेंगे तो बोलेगा आपके पास मोबाइल है तो लड़का आपके पास क्यों नहीं है। तब लोग क्या लगता है उसके ससुराल वाला सही मारा है? ससुराल वाला 100% सर मारा है और उसको ट्रेन का रूप धारण दे गया। कौन कौन मारने में कौन कौन शामिल है? मारने में कलीम है। कलीम कौन है इसका? कलीम इसका ससुर है, उसका आवेदन भी मेरे पास है सर। और कौन है? सलीम है। सलीम कौन है? सलीम उसका ससुर है। हलीम है, उसका भी ससुर है। उसके बाद शाहरुख, उसके बाद जो है शाहरुख सोनू, उसके बाद बल्ला, इनको 6 आदमी मिलके सब मारा गया है। हमको फोन किया, बोला कि लोग मार रहा, पीट रहा, हमसे लड़ रहा, झगड़ रहा, भाई हमारा पैसा तैसा सब छीन लिया, हमारा कनिया, हमको 1 टका नहीं आई, जो हम घर जाएंगे। तो हम बोले भैया आपको हम पैसा, वो बोला हमको पैसा भेज दो भाई, 200 टका फोन पे हम घर चल जाएंगे, हमको पैसा नहीं आया। हमारा भाई, हम बोले ठीक है भैया, अभी तो हम फेरी करने के लिए आए, कपड़ा भेजने के लिए आए, हम घर जाएंगे तो आपको पैसा भेज देंगे। 5 बजे हम फिर हमको वो फोन किया तो हम बोले कौनसी हम आपको, हम कुछ दिन पहले हमारा भाई हमारे यहाँ आया था, लड़ाई झगड़ा ऐसे किया तो हमारा भाई 10 बजे रात में हमारे यहाँ आया, हम उसको रख लिए, खिला पिला के 200 टका हाथ में दिए। हमारा दुल्हा को बोले कि 200 रुपया इसको दे दीजिए, ये अपना घर जाएगा बिहारीगंज। हमारा भाई को फोन किया, हमारा भाभी बोला कि आप आ जाइए, फिर से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हमारा भाई फिर चला आया यहाँ पे रानी फतरा, हमारा भाई अबरी जो आया तो फिर कल हमारा भाई 3 बजे फोन किया, बोला 4 बजे 5 बजे की बहन तुम फोन रिकॉर्डिंग करो, हम फोन कर रहे हैं, ये लोग हमसे लड़ रहा है, मारपीट कर रहा है। भैया हमको फोन रिकॉर्डिंग करने के लिए नहीं आता था तो हम कैसे फोन रिकॉर्डिंग करते हैं, तो हम भाई का फोन नहीं रिकॉर्डिंग किए। बोले कि ठीक है, हम माँ को भी फोन किए, माँ को फोन किए, हमारा माँ बोला कि देखो बेटी, मौगी मरद का लड़ाई है, ऐसे होता है, ऐसे छूट जाता है, छोड़ो आटा। हम बोले ठीक है, सुबह होगा ना भैया तो आपको पैसा भेज देंगे, आप चल आइएगा कल। हमने तो बोले कि हम ही जाएंगे, आपको लेके आएंगे। हमारा भाई रात तक में हमारा भाई को सर मार पीट के बेतरीका का मार मार के हमारा भाई को रेलवे में फेंक दिया।
शादी की धूम में चमकेगा आपका हेयर स्टाइल द बिग शॉप के साथ आकर्षक वेडिंग कलेक्शन ब्राइडल लहंगा शेरवानी साड़ी सूट कंप्लीट लेडीज वेयर मेंस वेयर और किड्स वेयर कालीबाड़ी रोड भट्टा बाजार पूर्णिया।